हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग का 799 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, हम लोगों ने चैप्टर 3 तो कंप्लीट कर लिया। उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चैप्टर 2 का देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 में कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे एपिसोड बाई एपिसोड करके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि आप 799 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और हाँ, एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं देखे हैं तो जा कर के आप लोग मैट्रिक्स का ज़रूर वीडियो देखें। और 6 एपिसोड वही स्टूडेंट देख सकता है जो मेंबरशिप में ज्वाइन होगा। देखो, 299 का 799 आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है। आपको जुड़ना होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल पर भी बात करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 299 में 799 इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन मिल रहा है। फिर ये मौका बार बार नहीं मिलता। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग का चैप्टर 2 का एपिसोड 1 है। एपिसोड 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 tan inverse 1/3 + tan inverse 1/7। देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मेथड से है कि इसी तरह का हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का और ऑप्शनल है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में भी पूछ सकता है, यानी 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी कभी भी पूछ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम इसको रखे हैं कि क्या पता अगले साल आप इन लोग में यही नहीं आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। चांस भी है, कभी कभी 1 नंबर में आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आता है। तो ध्यान से करिएगा तो फिर तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। चलिए, हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, आपको हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको देखो, हम इसको 2 tan inverse 1/3 कहा है, यानी 2 tan inverse 1/3 जो है वो कितने बार है, 2 बार। यहाँ से हम 2 मेथड से बना सकते हैं, एक 2 tan inverse x के फार्मूला पर और एक 2 tan inverse 1/3 जो है 2 बार है। इसको सिंपल तरीका से बनाते हैं। ये 2 जो है 2 tan inverse 1/3 है, इसको मतलब 2 बार हम लिख सकते हैं, यही ना इसका कहने का मतलब है। 10 inverse 1/3 + 10 inverse 1/3 + 10 inverse 1/7। कभी कभी एक लॉन्ग में भी ऐसा प्रश्न आ जाता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा। तो 10 inverse 1/3 2 था, हमने 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर रफ में लिख देते हैं, 10 inverse x + 10 inverse y का फार्मूला। ये होता है 10 inverse x + y / 1 - x * y होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर इसको बैठा दो। तो पहले क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको फार्मूला पर रखो और इसको ज्यों का त्यों लिखते चलो, आगे पता चलेगा क्या करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर रख दिए, 10 inverse x + y होता है, तो x का मान 1/3 और y का भी मान 1/3 रख लो। अब बटा में 1 - x * y होता है, तो x का मान 1/3, y का मान 1/3 प्लस ये 10 inverse 1/7 है, तो 10 inverse 1/7। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व कर लो। पहले 10 inverse 3 3 का एलसीएम 3 भाग देंगे एक बार में 1 से और 1 से 1, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 1 से 1, बटा 1 माइनस 1 1 से गुना करेंगे 1 3 3 से गुना करेंगे 9, इतना हो गया, प्लस 10 inverse 1/7। यहाँ से 10 inverse 1 1 2/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 और 9 का एलसीएम 9, भाग देंगे 9 बार में 9 से और 1 से करेंगे 9 - 1, प्लस 10 inverse 1/7। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 inverse 2/3
और ये 8/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7 हो गया। ओके अब क्या करेंगे, अब देखो टेन इनवर्स ये जो पहला है ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 18 और ये दूसरा तीसरा के साथ 18 का 24 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसको हम क्या करते हैं ना, देखो ये 18/24 इसको कटा सकते हो 6 से, 6 3 18 6 4 24 यानी टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसको फिर इसको x मान लो इसको y मान लो उसी फार्मूला पर, तो टेन इनवर्स x का मान 3/4 y का मान 1/7 बटा 1 माइनस x का मान 3/4 y का मान 1/7। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 7 और 4 का एलसीएम 28 भाग देंगे 7 बार 21 प्लस इसको भाग देंगे 4 बार 4 से 1 से 4 हो गया। इसको 1 माइनस 3/7 28 यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स 21/4 25/28 और 1 माइनस 3/28 को सॉल्व करोगे तो 28 28 में 3 जाएगा 25 25/28 हो जाएगा। नहीं आ रहा तो देखो कुछ नहीं तो 1 28 और 1 का एलसीएम 28 भाग देंगे 28 बार में 28 लो और 1 से 28 माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से और 3 से 3 यहाँ से देखो टेन इनवर्स ऊपर 25 नीचे 28 28 में से 3 जाएगा 25 और नीचे 28 तो 25 25 28 28 कट कर सब क्या हो गया, अब क्या हो गया टेन इनवर्स सब कट करके 1 आ गया। अब क्या करेंगे टेन इनवर्स 1 किसका होता है 10 में, 10 45 का होता है 1 के बदले 10 45 लिख दो, टेन इनवर्स 10 कैंसिल क्या बच जाएगा 45 और 45 को क्या लिख सकते हो पाई बाई 4 लिख सकते हो, आपका आंसर ए हो गया पाई बाई 4। आइए तो ऑप्शन में मिलाते हैं कि पाई बाई 4 ऑप्शन में है कि नहीं है। ठीक है तो हम लोग का क्वेश्चन पेपर कहाँ गया, क्वेश्चन पेपर कहाँ है, यहाँ है देखो पाई बाई 4 इसमें है, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर डी सही, लेकिन देखो एक नंबर में पूछ लिया है, कभी कभी पूछ लेता है लेकिन आपको जब भी आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा, 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर को ध्यान नहीं पड़ता है वो लोग दे देते हैं। ओके बट कोई नहीं, हम लोग को बनाने आना चाहिए, कैसे भी हो कहीं भी आए उसको हल कर देना है। ओके देखो ये जो क्वेश्चन हमने अभी मिस्टेक से गलती से इसको सॉल्व कर दिया था, इसको ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2, टेन इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 है। ओके तो टेन इनवर्स √3 है ना किसका होता है, टेन किसका होता है टेन 60 का ना, टेन 60 हो गया और माइनस यहाँ पर sec में जब माइनस लगता है तो उसको क्या करना पड़ता है पाई में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है तो पाई माइनस sec इनवर्स और ये किसका होता है sec में 2 किसका होता है sec 60 का होता है, यहाँ से टेन इनवर्स 10 कैंसिल 60 60 को लिख सकते हो पाई बाई 3 माइनस ये पाई माइनस sec इनवर्स से कैंसिल 60 60 को लिख सकते हो पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 इस माइनस को गुना करा दो तो माइनस 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 प्लस पाई बाई 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब देखो 3 एलसीएम पाई ये हो जाएगा 3 पाई और ये पाई माइनस ए सॉरी प्लस है ना प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई अब बटा में 3 घटा देंगे तो माइनस पाई बाई 3 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमने मिस्टेक से इसको डी मार दिया था। ठीक है हम कंसेप्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पड़ गए थे, हमें ध्यान ही नहीं पड़ा कि इसमें माइनस है। ठीक है कंसेप्ट याद नहीं है तो हमने मिस्टेक से कर दिया था और डी ऑप्शन बना दिया था, लेकिन फिर भी हमको ध्यान आया तो हम आपको बता दिए, लास्ट में हमको पता चला इस क्वेश्चन को नहीं गलती कर दिए हैं। ठीक है तो कभी कभी होता है ध्यान नहीं पड़ता है तो इसका मेन आंसर ए होगा। ओके आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।
अब आप सोच रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हो तो आपको पता कैसे चला था, हम एडिट कर दिए हैं वीडियो को, ठीक है आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन हमको लास्ट में पता चला इसलिए हमने फिर से उसको सॉल्व किया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कि साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है, तो देखो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, अब जब आए कुछ चेंज करके तो आप लोग गलती नहीं करना, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ओके। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है ना। देखो ये साइन का साइन, आपको ये सब पढ़ाए हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई टू होता है। क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो यहाँ से साइन का साइन और पाई बाई टू कहने का मतलब पाई का मान 180, 180 में 2 से भाग देंगे 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में और भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कर देगा और यहाँ पर दे देगा कॉट, चाहे सेक कुछ भी कर सकता है। तो फॉर्मूला हमेशा 3 याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू, और एक तो ये हो ही गया कि इसका भी फॉर्मूला पाई बाई टू होता है, और एक होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू। ये सब पढ़ाए हैं, प्रूफ भी कराए हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो अच्छे से, तो ये सब फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते रहेगा, साइन की जगह कॉस कर देगा, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला ए वाला लगा देगा, चाहे ए वाला लगा देगा। तो आप लोग इसको पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा, सभी फॉर्मूला याद रखो। थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर देगा, आप कहोगे सर तो ये क्वेश्चन कराए ही नहीं थे, कैसे नहीं कराए थे, सब तो कराए हैं लेकिन आप लोग याद नहीं करते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दो मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यदि आपको फार्मूला याद है तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है, आपको प्रूफ करना है पाई बाई। इसको दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं, एक तो साइन के फॉर्मूला लगा करके, या तो रूपांतरण सूत्र लगा करके साइन को टेन टेन में चेंज करके बना सकते हो। हम क्या करते हैं, बार बार तो रूपांतरण से चेंज करके बनाते ही हैं, इसको साइन के फॉर्मूला पर चेंज करके बना देते हैं। देखो एक फॉर्मूला याद रखो, ए वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 - y² प्लस y रूट अंदर 1 - x² ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी फार्मूला की मदद से आप लोग सॉल्व कर दोगे, देखो कैसे, ये x होता है और ये y होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर बैठाएंगे, इस फार्मूला पर साइन इनवर्स x, x का मान 4/5, रूट अंदर 1 - y² तो 1 - y का मान 5/13 का स्क्वायर प्लस y, y का मान 5/13 रूट अंदर 1 - x² x का मान 4/5 का स्क्वायर, ओके, और इसको घेर दो। ये दो हो गया, एक बच गया ना, इसको चुपचाप ऐसे लिखते चलो, आगे इसका काम आएगा, ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं है। ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो। साइन इनवर्स 4/5 रूट अंदर 1 - 5² 25 13² 169 प्लस 5/13 रूट अंदर 1 - 4² 16 5² 25 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ से
साइन इनवर्स, 4/5, रूट अंदर, यहाँ कुछ नहीं तो एक एक और इतना का एलसीएम 169, भाग देंगे 169 बार में, 169 से और एक से करेंगे 169, इसको एक बार में भाग देंगे 125 से, 25 प्लस 5/13, रूट अंदर, यहाँ कुछ नहीं तो एक एक और 25 का एलसीएम 25, भाग देंगे 25 बार में, 25 ले और एक से करेंगे 25 माइनस, भाग देंगे एक बार में एक ले और 16 से 16 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अगर यहाँ पर बराबर का साइन देते चलोगे तो और एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 4/5, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 169 में 25 घटाओगे तो 144 आएगा और नीचे 169, और 5/13 इसको घटाओगे तो 9/25 हो जाएगा। और इस पेज पेन को थोड़ा चेंज करते हैं, इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो दूसरा पेन लेते हैं। प्लस साइन इनवर्स 16/65, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। साइन इनवर्स 4/5 गुना में है ना, तो 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13, ये 5/13, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 प्लस साइन इनवर्स 16/65, अब इसको कटा दो, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो साइन इनवर्स बरचौका 48, 13/5 65 प्लस ये 5/5 कट गया, ऊपर में 3 नीचे में 13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, अब इसको बाटा पर के जोड़ निकाल दो, साइन इनवर्स लॉन्ग में आएगा, कभी भी आएगा तो आपको 4 नंबर से भाव में आएगा, ठीक है, छोटा में तो आएगा नहीं, 65 और 13 का एलसीएम 65, भाग देंगे एक बार में एक ले और 48 ले 48 प्लस, भाग देंगे 5 बार में 5 ले और 3 से 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 48 और 15, 8/5 13 और 4 1 5 और 1 6, 63/65, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65। अब क्या करेंगे देखो, इसको एक्स और इसको वाई उसी फार्मूला पर जो यहाँ पर बताए हैं, तो उसी फार्मूला पर फिर से बैठा दो, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 63/65, ओके, रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू 16/65 का स्क्वायर प्लस वाई, वाई का वैल्यू 16/65 रूट अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 63/65 का स्क्वायर, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, जोड़ तो गलती नहीं है ना, 8 4 12 1 13 के 3, 4 1 5 1 6, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते जाओ, साइन इनवर्स 63/65 रूट अंदर 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर निकालो तो 65 गुना 65, 50 25 की 5 हासिल 2 6 5 31 और 2 32, 6 5 31 की 0 हासिल 3 6 4 36 3 39, 5 2 9 3 12 की 2 3 1 4, 42 25 42 25, ओके। अब क्या करेंगे, प्लस 16/65 रूट अंदर 1 माइनस 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 63 का स्क्वायर 33 का 9, 6 3 18, 36 और 1 37,
9, 16, 8 1 9 3, 39, 69, 39, 69 बटा 65 का स्क्वायर, 42, 25। ओके, अब साइन इनवर्स 63/65 रूट अंदर, यहाँ कुछ नहीं तो एक एक और इतना का एलसीएम, 42, 25, इसको भाग देंगे तो 42, 25 माइनस 256 प्लस 16/65 रूट अंदर, यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम हो जाएगा 42, 25, तो 42, 25 माइनस 39, 69। ओके, अब आगे बढ़ो, साइन इनवर्स 63/65 रूट अंदर 42, 25 में से 256 घटाएंगे, 256, 6 नहीं जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये हो गया 11, 5, 6, ये हो गया 1, हासिल 10 हो गया ना, 1 हो गया था, 1 हासिल दिया, 10 11, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, अरे इतना 39, 69 कितना हो जाएगा, 39, 69/42, 25 प्लस 16/65 रूट अंदर 42, 25 में से इतना कटाएंगे तो यह जाएगा 256, अरे कितना 42, 25। ओके, अब जगह नहीं है, जगह नहीं है तो दूसरे पेज पर आते हैं, ठीक है, और समझाते हैं, ध्यान सबको देखते चलना है। देखो, साइन इनवर्स 63/65 इंटू 39, 69 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, वो होगा 63 ही होगा, और इसका 65 होगा, प्लस 16/65 और इसका कितना होगा, 16 होगा, और इसका कितना होगा, 65 होगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स 63, 63 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 39, 69, और इसको गुना करेंगे 42, 25। ओके, अब प्लस 16, 16 256 और ये 42, 25। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, साइन इनवर्स इसका एलसीएम 42, 25 हो जाएगा, भाग देंगे एक बार में एक सौ, इतना से करेंगे 39, 69 प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 100, 256 से करेंगे 256। तो यहाँ से साइन इनवर्स दोनों को जोड़ेंगे 42, 25 हो जाएगा, और नीचे भी 42, 25, कट करके एक आ गया, साइन इनवर्स एक आ गया। तो अब यहाँ से साइन इनवर्स एक, एक का वर्ग, एक का किसका होता है फार्मूला, साइन पाई बाई टू का, यानी साइन 90 का, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा, पाई बाई टू आपको क्या हो गया प्रूफ। तो हमेशा ये 4 नंबर से कभी भी कम नहीं आएगा प्रश्न, ओके याद रखिएगा, और बहुत ईजी है, बस आपको एक फार्मूला इसमें याद करना होगा बाबू, ठीक है, इसे याद कर लो, फिर बहुत बनाने में मजा आ जाएगा, वो कन्वर्ट करके बनाते हो ना, उससे भी ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब 5 को देखा जाए, 5 भी देखो वही क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 = π। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आओ सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 = π/2 है, इसको x मान लो, इसको y, फार्मूला तो पढ़ा दिए हैं कि साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 - y² y रूट अंदर 1 - x² होता है। तो साइन इनवर्स ज्यों का त्यों, x का मान 2√2/3 रूट अंदर 1 - y का 1/3 का स्क्वायर प्लस y 1/3
रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी टू रूट टू बाई थ्री का स्क्वायर। बस सल्व कर दो इसको, बराबर का साइन लिखते चलो, नहीं तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा, एक नंबर काट देगा। टू रूट टू बाई थ्री, रूट अंडर वन माइनस एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, प्लस एक बटा तीन, रूट अंडर वन माइनस दो का स्क्वायर चार, और दो रूट दो का स्क्वायर दो, आठ बटा नौ हो गया। ये करना है ना, टू रूट टू का स्क्वायर करोगे तो आठ ही आएगा। साइन इनवर्स टू रूट टू बटा थ्री, रूट अंडर कुछ नहीं तो एक, तो ये हो जाएगा कितना, नौ एलसीएम, भाग देंगे नौ, नौ माइनस एक, प्लस एक बटा तीन, रूट अंदर यहाँ कुछ नहीं तो एक, नौ भाग देंगे नौ, नौ एक से नौ माइनस आठ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री, रूट अंदर नौ में से एक जाएगा आठ बटा नौ, प्लस एक बटा तीन, रूट अंदर एक बटा नौ। यहाँ से सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स टू रूट टू बटा तीन इंटू रूट आठ को क्या लिख सकते हैं, अभी ना आपको बताएं, टू रूट टू को हल करोगे तो आठ लिख सकते हो, तो इस आठ को टू रूट टू लिख सकते हो, और नौ का वर्गमूल तीन, और एक बटा तीन, और एक का वर्गमूल एक, और तीन का वर्गमूल, नौ का वर्गमूल तीन। यहाँ से साइन इनवर्स इसको गुना करेंगे, दो दूनी के चार, चार रूट दो रूट दो, दो चार दूनी आठ, अब बटा तीतरी का नौ, प्लस इसको करोगे तो एक अब बटा में नौ। यहाँ से साइन इनवर्स एलसीएम नौ आठ प्लस एक, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स आठ और एक नौ बटा नौ, नौ नौ कट गया, यानी आपका आ गया साइन इनवर्स एक। तो साइन इनवर्स एक किसका होता है, साइन पाई बाई टू का, साइन इनवर्स साइन कट गया, क्या बच गया, पाई बाई टू, आपका हो गया प्रूफ। बहुत ईजी है, ठीक है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, सिक्स भी आपका बहुत ईजी है, ठीक है, ध्यान देना होगा क्वेश्चन को। सिक्स देखो, साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, इसको कैसे करेंगे, देखो जो जो है पहले लिख लो, साइन इनवर्स यहाँ है साइन, ऐसे साइन इनवर्स साइन पाई में से कितना माइनस कर देंगे कि टू पाई बाई थ्री आ जाएगा, तो पाई में से यदि पाई बाई थ्री कर दोगे तो आ जाएगा, चेक कर लो, इसको सॉल्व कर लो उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन यहाँ कुछ नहीं तो एक, इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री, और इसको भाग देंगे थ्री पाई माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई, तो साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री, साइन व साइन कट गया, ये आपका आ गया टू पाई बाई थ्री आपका आंसर। देखो तो टू पाई बाई थ्री ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब कितने बच्चे सोच रहे हैं कि सर वो तो सेम ही आप ला करके यहाँ भी कर दिए हो, तो फिर फर्क क्या हुआ इसमें, तो फर्क देखो इसमें कैसे होता है कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, समझ में आया, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो करेंगे उनका गलत हो जाएगा, और फट दे ऑप्शन बहुत जल्दी दिख गया टू पाई बाई थ्री, आप लोग गलत करके आ जाओगे, तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए हम आपको ऐसे बताए हैं, ठीक है। देखो सही तरीका इसका क्या है, अब हम आपको समझाते हैं। छः नंबर जब भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसे करो, साइन इनवर्स बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए हम बताएं आप लोगों को, ठीक है, साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री है ना, टू पाई बाई थ्री हो गया, अब साइन इनवर्स साइन यहाँ से टू पाई बाई थ्री क्या करेंगे, तो पाई में से जब पाई बाई थ्री माइनस कर देंगे तो टू पाई बाई थ्री आ जाएगा, ये तो दिख रहा है, लेकिन अब ये नहीं कि साइन अब इसको एलसीएम लेकर के आगे बढ़ा दो जिस तरह से बढ़ाए हैं अब बना दो, ऐसे नहीं होता है, यहाँ से फॉर्मूला लगता है। देखो साइन इनवर्स साइन पाई का मान क्या हो गया 180, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, नहीं पता है तो देख लो,
180 माइनस थीटा क्या होता है, 2 × 90 है, तो 2 यानी सम संख्या चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन और थीटा का वैल्यू थीटा। और किस कोऑर्डिनेट में होता है, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, किस में 180 माइनस थीटा किस में, अरे 0 से 90 फर्स्ट में होता है और 90 से 180 मतलब सेकंड में। सेकंड में क्या होता है ऑल, इसमें साइन और कॉस एक प्लस, बाकी सब माइनस, तो साइन कॉस तो प्लस होगा, साइन ही है ना, इसलिए साइन साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन बर साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका पाई बाई 3, ये आंसर सही होगा, गलती नहीं करना बार बार, ठीक है। काहे कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और ऐसे करके दिखा देते हैं, कहते सर बहुत जल्दी बन गया, अरे भाई समझो, ठीक है, गलती नहीं करना एग्जाम में, इसके बारे में डीपली पढ़ना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, स्पेशल वीडियो मिलेगा आप लोग को, क्योंकि जो लोग कोर्स में जुड़े हैं उनको अलग से मिलता है। ओके, लास्ट लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लिया जाए, किसी पर थोड़ा सा जगह है तो उसी पर बना दिया जाएगा, पेज खाली नहीं है, चलो इस पर बनाते हैं। देखो टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो टेन इनवर्स रूट थ्री किसका होता है, टेन 60 का होता है माइनस, अब यहाँ देखो माइनस है लेकिन यहाँ माइनस लग गया, तो माइनस लग गया तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स, देखो कभी भी कॉट रहेगा कॉस रहेगा और क्या रहता है, और आपको रहता है कॉट सेक और कॉट, जब भी रहता है माइनस में वो क्या करना पड़ता है, उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो ये आ गया आपका क्या, ये आपका आ गया पाई माइनस कॉट इनवर्स, और रूट थ्री किसका होता है, कॉट में रूट थ्री किसका होता है, कॉट 30 का होता है, किसका होता है 30 का होता है, तो यहाँ से टेन बस टेन कैंसिल, 60 को लिख सकते हैं, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस, ये सब कैंसिल, 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस गुना कर देगा माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, अब इसका एलसीएम लो 6 हो जाएगा, भाग देंगे 2 पाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ से 6 पाई और यहाँ से पाई, ये हो जाएगा 6 3 यानी माइनस 3 पाई बाई 6, कटा दो बार में यानी माइनस पाई बाई 2 आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 इसका आंसर डी। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही एपिसोड 2 भी आएगा। वेलकम टू एपिसोड 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो एपिसोड 2 है, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं इस वीडियो में, ठीक है, जो हम लोग का 799 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका चैप्टर 2 अभी हो रहा है, चैप्टर 3 पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये सेकंड चैप्टर है जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसका पार्ट 1 हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, अब पार्ट 2 देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का मान है, सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का क्या करना है, मान बताना है, एक नंबर में पूछा गया है। देखो ऑप्शन है 0, 1, पाई बाई 2 या 9, तो पहले हम आते हैं इसको लिखेंगे, दो नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक फार्मूला लग रहा है, पता है कौन सा, देखो यहाँ फार्मूला लग रहा है साइन का साइन, आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, मतलब साइन इनवर्स हो कॉस इनवर्स हो और दोनों जगह जो थीटा का वैल्यू हो सेम हो उसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है, साइन में है कॉस में है और दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम है, इसका क्या होगा फार्मूला पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया पाई बाई 2। अब यहाँ देखो इस साइन का साइन, पाई का मान कितना होता है 180 में 2 से भाग देंगे 90, अब साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो आपका आंसर हो गया बी नंबर, क्या हो गया बी नंबर, समझ में आया ना सबको, बहुत दीजिए है इस तरह का प्रश्न हमेशा आते रहता है, चेंज कर करके टेन कॉट कर देगा सेक कॉसेक कर देगा, तो याद रखिएगा फार्मूला। ओके, अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 10π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b + 10π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b = 2b/a। ये बहुत ही भिविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की 100% चांस है। और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता कि यार कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ओके ठीक है, देखो लॉन्ग में आएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले इसमें एक कॉमन चीज़ देख रहे हो कि 1/2 cos इनवर्स a/b यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है ना। तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो मान लो, माना 1/2 cos इनवर्स a/b को थीटा मान लिया। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेन है तो टेन, π/4 तो π/4, प्लस है तो प्लस, और इसको क्या मानने हो, थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा प्लस, ये टेन है तो टेन, और इसको π/4 का π/4 माइनस, इसको क्या माने हो, थीटा, तो ये हो गया थीटा। ओके नेक्स्ट स्टेप में देखो, tan π/4 + θ tan π/4 - θ, ये आ गया ना। अब एक बात बताओ, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, रफ पेज रहता तो आपको बता देते, ठीक है, लेकिन यहाँ भी फिर भी बता देते हैं। आप लोग फार्मूला पढ़े हो ना, tan x + y का फार्मूला क्या होता है, tan x + tan y / 1 - tan x (tan y) होता है ना, उसी फार्मूला पे इसको तोड़ देंगे। चलो ये x हो गया और ये y, तो tan π/4 + tan θ/1 - tan π/4 - tan θ, प्लस है तो प्लस। अब इसको देखो, tan π/4 - θ, यानी वही माइनस वाला फार्मूला, जब माइनस रहता है तो ऊपर में माइनस हो जाता है, ठीक है, tan π/4 - tan θ, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस 1 + tan π/4 - tan θ। हमने इसको क्या किया, फार्मूला पर तोड़ दिया। ओके अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखो अब क्या करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि tan π/4 है, ठीक है, tan π/4 जो है, पाई का मान होता है 180, 180 में 4 से भाग देंगे 45, टेन 45 का जो मान होता है 1 होता है, प्लस tan θ/1 - यहाँ भी tan π/4 यानी 1, क्योंकि टेन 45 का मान 1, 1 से और tan θ से करेंगे तो ये भी tan θ हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, -tan θ/1 + टेन 45 का मान 1, 1 और tan θ से करेंगे तो tan θ। ओके आगे देखो, अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ले लो 1 - tan θ और 1 + tan θ। ओके तो इसको इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan θ * 1 + tan θ, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको भाग देंगे कट जाएगा, ये बचेगा, इससे और इससे करेंगे 1 - tan θ * 1 - tan θ। ओके आगे देखो, a + b यानी 1 + tan θ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस a - b यानी ये भी 1 - tan θ का ये भी होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, 1 - tan θ 1 + tan θ। तो इसको देखो, a - b a + b यानी a - b a + b a² - b² के फार्मूला पर, तो यहाँ से हो जाएगा 1² - tan θ² स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ देखो, हम चेक कर रहे हैं, यदि मान लो कि इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो क्या होगा, एक का स्क्वायर एक, टू, ए का मान एक है, बी का मान टेन थीटा है, अब प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक माइनस टू ए बी का मान टेन थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वन का स्क्वायर वन और टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ से एक एक दो हो गया और टू टेन थीटा और यहाँ पर माइनस टू टेन थीटा, ये दोनों प्लस माइनस कट गया, टेन स्क्वायर थीटा ये टू टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ो, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, टू, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो, ये टू का टू, अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पता है किसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, जो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला वो होता है वन माइनस, क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर माइनस होता है, नहीं ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है, ठीक है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर आ जाओ कि यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में क्या है भाई, प्लस है, नीचे माइनस है, तो फॉर्मूला तो नहीं बनेगा कॉस टू थीटा का, लेकिन एक उपाय है, क्या उपाय है कि देखो, एक टू है ना, है टू, चुपचाप इसको रहने दो, एक टू था, टू को रहने दिए, और इसके बाटा में क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर एक कहाँ ले जाओगे, तो देखो उसका अभी इलाज होगा, ये जो है इसको नीचे लेकर आ जाओ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर इसको नीचे कैसे ले जा सकते हो, तो देखो जब ऐसा रहता है कि टू बाई इतना बाई इतना, तो इसको ऊपर ले जाकर क्या करते हैं, मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल कर रहा है तो नीचे का तो डिवाइड ही नहीं करेगा, जब इसको हम हल करेंगे इतना को, तो ऊपर जाकर क्या कर देगा, मल्टीपल इतना बन जाएगा, तो उसको हम इतना लिख सकते हैं ना। हाँ आपको सर क्यों लिख रहे हो, तो इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो टू का टू और यहाँ से वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस टू थीटा। अब क्या करेंगे, टू का टू कॉस टू थीटा है ना, तो कॉस टू, ठीक है। अब थीटा, अब थीटा का वैल्यू देखो, तो आपको अभी पढ़ाया गया है ना थीटा का वैल्यू क्या है, माने हो वन बाई टू कॉस इनवर्स ए बाई बी, तो यहाँ पर वन बाई टू कॉस इनवर्स ए बाई बी हो गया, तो यहाँ से टू टू कैंसिल, बच के जाएगा आपका ऊपर में टू और नीचे कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, ए बच गया ए बाई बी, क्या बच गया ए बाई बी, तो अभी जो बी है ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, गुना, तो टू बी और नीचे क्या है ए, और यहीं आपको क्या करना था, प्रूफ, और ये देखो प्रूफ हो गया, ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही ना प्रूफ करना था, टू बी बाई टू, आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स टेन पाई बाई सेवन है, ओके, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक कॉट इनवर्स और इसको क्या करेंगे, टेन पाई बाई सेवन कहाँ से आया, जैसे देखो पहले समझो, जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हो, क्या हम कॉट नब्बे माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्या कॉट नब्बे माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा के बदले हम इतना लिख सकते हैं, आखिर कॉट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कॉट इनवर्स है तो कुछ हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ टेन पाई बाई सेवन है तो हम क्या करेंगे, इसको भी, इसको हम क्या करेंगे, टेन टेन पाई बाई सेवन को कॉट में ना, कॉट नब्बे माइनस थीटा का मान पाई बाई सेवन है तो पाई बाई सेवन कर सकते हैं, और अब जानते हैं कि नब्बे को हम लोग पाई बाई टू लिख सकते हैं, इस नब्बे की जगह क्या करेंगे,
कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई सेवन कर सकते हैं। अब कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, अभी बच जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई सेवन, दोनों का एलसीएम 14 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई, अरे 7 × 14 ये 2 पाई, यहाँ से आपका आ जाएगा 5π/14। ये देखो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बनाने का तरीका समझो ध्यान से, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती करते रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। देखो आज का क्वेश्चन है कि टेन, देखो चार नंबर भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 − x² / 1 + x² और ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो हम चलते हैं। इसको हम टेन का टेन लिख लिए और ये 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² जो है ना, ये जानते हो किसका फार्मूला होता है, ये होता है 2 tan inverse x का। किसका होता है? 2 tan inverse x का ये फार्मूला होता है। प्लस 1/2 यहाँ देखो कॉस इनवर्स 1 − x² / 1 + x², ये भी जो फार्मूला होता है ये भी 2 tan inverse x ही का होता है, 2 tan inverse x ही का। अब आप कहोगे सर एक ही का फार्मूला अलग अलग कैसे हो गया, तो साइन में 2 tan inverse x का फॉर्मूला ए होता है और कॉस में इसका ए होता है। ठीक है, याद रहेगा, इसलिए बोलते हैं फॉर्मूला याद रखो। 2 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा, tan inverse x + tan inverse x। अब tan inverse x प्लस tan inverse y के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो tan inverse ये हो जाएगा x + x/1 − x × x। ओके, टेन इनवर्स टेन कैंसिल, x x 2x 1 का 1, एक्स लेक्स लेक मल्टीपल करेंगे x² और आपको यही प्रूफ करना था, चेक कर लो, यही करना था ना, प्रूफ हो गया। बहुत इजी है, लेकिन जिनको फार्मूला याद है वही ना बना पाएंगे, इसलिए बोलते हैं फार्मूला बाबू याद रखो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टेन इनवर्स 2x + tan inverse 3x = π/4। देखो इसको हम क्या करेंगे, हल करना है यानी x का मान बताना है, तो इसको x और इसको y फॉर्मूला पर बैठाते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, वाई का मान 3x/1 − x × y यानी 2x × 3x = π/4। अब यहाँ से टेन इनवर्स 2x और 3x 5x 1 − 2x और 3x ले 6x² = π/4। ओके, समझ में आया। अब देखो अब क्या करेंगे, इस टेन इनवर्स को इधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, बीच में बराबर का जब साइन मिलता है तो इम्प्लाइड एड का साइन देना जरूरी है, तो 5x/1 − x² = टेन इनवर्स से बराबर किस साइड जाएगा तो टेन हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स हट जाता है। अब हो गया क्या ये, अब देखो 5x/1 − 6x² = टेन 45 का मान 1 होता है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 5x = 1 से इतना से करेंगे 1 − 6x². अब क्या करेंगे, इन सब को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x² ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा और एम प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर में 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर यानी गुणा, ये गुणा बोल रहे हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड, गुणनखंड सबको आता है ना, कर दो 6x², यहाँ पर क्या रखा जाए तो यहाँ पर हम 3x और क्या रख दें, 3x रखेंगे तो नहीं होगा,
यहाँ पर क्या रखते हैं कि मान लो 6x में से x घटाएंगे तो 5x आएगा, और इनमें गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर भी हो जाएगा, -1 = 0, दोनों में कॉमन 6x बचेगा, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, इन दोनों में -1 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बराबर में 0। एक बार 6x माइनस वन और एक बार दोनों में से कोई एक ले लो बराबर में 0। तो 6x माइनस वन बराबर 0 और एक बार एक्स प्लस वन बराबर 0। तो 6x बराबर 1, तो x बराबर एक गुना कर देगा तो भाग कर देगा, दिस इज आंसर। और x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस में आपको नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे, यही आंसर। ओके, तो x का जो वैल्यू आया 1/6 आ गया। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 6 नंबर देखो। 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर तो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 6 नंबर और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना होगा, ये आपके बुक का ही प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 9π/8 -9/8 sin inverse 1/3, इतना प्रूफ करना है। चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं। दोनों में 9/8 कॉमन है, 9/8 कॉमन ले लिए, ठीक है, 9/8 नहीं 9/4 लो, क्योंकि 9/4 के रूप में इसको प्रूफ करना है ना, इसको 9/4 के रूप में प्रूफ करना है, तो हम 9/4 ही लेते हैं, 9/4 ले लिए। यहाँ पर ऊपर में पाई बच जाएगा, नीचे में 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर तो 9 चल गया, 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, मेरे ख्याल से जानते हो क्वेश्चन में गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर 9/4 ही होगा, ठीक है, 9/4 ही होगा, तभी नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर बन ही नहीं पाएगा। हम अभी चेक करके बताता हूँ, ठीक है, चेक किया यहाँ पर 8 ही है, ठीक है, लेकिन हम 4 पर बनाएंगे क्योंकि हमें गलत लग रहा है, ठीक है, लास्ट में बताएंगे क्या है, आप 4 पर ही बनाना, ठीक है, या हम बुक में चेक कर लेते हैं इस तरह का प्रश्न है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, फिर आगे चल करके हम सॉल्व करें और फिर से दोबारा सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाए तो मज़ा नहीं आता फिर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, शायद चैप्टर 2.2 नहीं, विभिद से है, विभिद से होगा मेरे ख्याल से, 4 है, देखो हमने कहा ना, याद आ गया था, 4 ही है, गलती से किसी और बुक से हम क्वेश्चन लिए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट के चक्कर में और गलत ले लिए थे, 4 है, ठीक है ना, याद रखना। तो पाई बाई 2 और यहाँ से क्या बच जाएगा, sin inverse 1/3, ओके। अब इसको सॉल्व करो, 9/4, पाई बाई 2 किसका मान होता है, पाई बाई 2 जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पाई बाई 2 है इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin inverse 1, क्यों भाई, तो देखो साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स और 1 के बदले क्या लिख सकते हो, साइन 90 यानी पाई बाई 2, ये दोनों कट जाएगा, पाई बाई 2 बच जाएगा, यानी पाई बाई 2 के बदले sin inverse 1 लिख सकते हैं, sin inverse 1 -sin inverse 1/3। अब देखो इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो 9/4 sin inverse x -sin inverse y का फॉर्मूला लगा दो तो ये होता है sin inverse x √(1 - y²) + y √(1 - x²), तो यहाँ से हो जाएगा 9/4 sin inverse x का वैल्यू 1 √(1 - y²), y का मान है 1/3 का² प्लस y का मान है 1/3 √(1 - x²), x का मान है 1 का² यहाँ से 9/4 sin inverse 1 √(1 - 1² 3² 9 +1/3 यहाँ से 1 में से एक जगह 0 9/4 sin inverse 1 √(1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो यहाँ से 9 - 1/9 हो गया +1/3 और 0 का 0 यहाँ से 9/4 sin inverse 1 √(1 यहाँ से 8/9 और ये सब खत्म क्योंकि 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 9/4 sin inverse √8 का वर्गमूल 2√2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 और यहीं आपका प्रूफ करना था, देखो हमने प्रूफ कर दिया, देखो बहुत ईजी है सब, ठीक है, बस अब ध्यान से फार्मूला याद रखो।
फॉर्मूला याद रहेगा तो सब बनेगा। तो एपिसोड 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले एपिसोड में आप लोग को एपिसोड 3 में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर 2 का एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में एपिसोड 1 और 2 आप लोगों ने देखा, अब इस एपिसोड 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि साइन इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान है, यानी इसका मुख्य मान क्या होगा। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स रूट 3/2, ओके। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसका मुख्य मान कैसे बताओगे, तो देखो सबसे पहले साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स को ज्यों का त्यों, और रूट 3/2 है, तो क्या आपको पता है कि रूट 3/2 जो होता है साइन 60 का वैल्यू होता है, किसका होता है, साइन 60 का, यानी साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है रूट 3/2, यानी रूट 3/2 होता है। या आप रूट 3/2 के बदले साइन 60 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा 60, और 60 को क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180, 180 में 3 से भाग दोगे क्या होगा 60, यानी आपका आंसर आ गया 60, यानी आंसर आ गया पाई बाई 3 ना, क्योंकि 60 के बदले पाई बाई 3 लिखेंगे तो आपका आंसर हो गया पाई बाई 3। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, बहुत ईजी है ये तो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो, टेन इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होगा, देखो ये तो बहुत ईजी है, यदि आपको फार्मूला याद होगा तो आप ऐसे ही बता दोगे, ठीक है, कि टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है। आपको पता है ना कि क्वेश्चन नंबर 2 कि टेन थीटा का फार्मूला होता है 1/cot थीटा, इसी तरह टेन इनवर्स का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, 1/cot inverse x, यही कहोगे ना, 1/cot inverse x कहोगे। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, ये फार्मूला नहीं होता है, क्या होता है, ये होता है cot inverse 1/x, क्या होता है, cot inverse 1/x होता है, ओके। हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो एक गलती कर दोगे, ये मारोगे भी गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इसके हिसाब से बनाओगे तो गलत ही होगा, ओके। हमेशा cot inverse 1/x ही होता है। जैसे आपसे पूछ देगा अलग क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स का बताओ, तो क्या करोगे, cosec inverse 1/x करना होगा, नहीं तो नीचे लेकर जाओगे cosec इनवर्स गलत हो जाएगा, ठीक है, एक गलत नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, सिद्ध कीजिए कि 4 cot inverse 3 प्लस cosec inverse √5 बराबर पाई प्रूफ करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि 4 cot inverse 3 प्लस cosec inverse √5, अब सिद्ध करना है इसको, पाई लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको, ये जो टेन इनवर्स cot inverse 3 है और cosec inverse रूट 5 है, इसको रूपांतरण सूत्र में, इसको टेन में दोनों को चेंज कर लेंगे, ये 4 है ना, 4 रहने दो, इसको हम cot inverse 3 को टेन में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब टेन में चेंज करोगे तो आ जाओ कहाँ पर, रफ में, रफ में आ जाओ, कि cot inverse 3 को हमें चेंज करना है किस में, टेन इनवर्स में। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे तो एक लिख सकते हो, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, यानी b का मान 3, p का मान 1, तो यहाँ से फिगर बनाएंगे, b a होता है तो b का मान 3 दिया है, p का मान 1 दिया है, यानी इसका h निकालना है। h निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, b² + p² तो b का मान 3, 3² = 9 और 1² = 9, यानी √10 हो गया, ये आ गया आपका √10। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, तो p का मान है 1, तो 1 हो गया, b का मान कितना है 3, तो ये हो गया, cot को टेन में चेंज किए तो टेन इनवर्स 1/3, ये हो गया। अब इसको भी चेंज कर लेंगे टेन में, तो ये है आपका cosec inverse √5, नीचे कुछ नहीं तो 1,
इसको चेंज करना चाहते हैं टैन इनवर्स में, तो क्या होगा पहले फिगर बनाएंगे। ये फॉर्मूला होता है एच बटा पी, तो पी का मान एक दिया है, एच का मान रूट पाँच दिया है, तो पी के बी का मान क्या हो जाएगा तो निकालो। बी का मान निकालने के लिए रूट अंदर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर होता है, तो रूट अंदर रूट पाँच के स्क्वायर माइनस बी यानी पी, पी का मान एक दिया है, तो पाँच का रूट पाँच का स्क्वायर पाँच हो जाएगा माइनस एक, ये हो गया रूट चार, चार का वर्गमूल दो, ये आ गया दो। तो टेन इनवर्स को होता है पी बटा बी, तो पी का मान एक और बी का मान दो, इसको हमने चेंज कर लिया। यानी हम कॉट इनवर्स थ्री को जब चेंज किए तो टेन इनवर्स एक बटा तीन आ गया, टेन इनवर्स एक बटा तीन हो गया, प्लस कॉसेक इनवर्स रूट फाइव को जब चेंज किए तो वो क्या हो गया, वो हो गया टेन इनवर्स वन बाई टू, टेन इनवर्स वन बाई टू ये हो गया। ठीक है, हमने चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे देखो, फोर का फोर, अब यहाँ से आपको फॉर्मूला याद है ना कि इसको मान लेंगे एक्स और इसको मान लेंगे वाई, जिनको याद नहीं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो लिखो टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मान एक बटा तीन, वाई का मान एक बटा दो बाई वन माइनस एक्स का मान एक बटा तीन, वाई का मान एक बटा दो। यहाँ से फोर टेन इनवर्स, यहाँ से कितना हो जाएगा तीन और दो का एलसीएम छः, भाग देंगे दो बार में दो सौ एक से करेंगे दो, प्लस इसको भाग देंगे तीन बार में तीन सौ एक से तीन बाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, इसका एलसीएम हो जाएगा छः, भाग देंगे छः बार में छः से एक से छः, इसको छः एक बार में यानी एक हो जाएगा। यहाँ से देखो फोर टेन इनवर्स, ये क्या है तीन दो पाँच बटा छः और नीचे छः में से जाएगा पाँच बटा छः, छः छः कट गया पाँच पाँच भी कट गया, यानी आपका बच गया फोर टेन इनवर्स वन। तो फोर का फोर टेन इनवर्स वन किसका होता है टेन में, टेन पैंतालीस का वैल्यू होता है, टेन पैंतालीस का मान एक होता है। तो फोर का फोर टेन इनवर्स, और यहाँ से देखो फोर का फोर टेन इनवर्स और टेन दोनों कैंसिल कट गया, पैंतालीस है ना, पैंतालीस को लिख सकते हो पाई बाई फोर, फोर फोर कट गया क्या बच गया पाई, ये देखो प्रूफ हमने कर दिया, ये लाना था पाई ना, देखो कितना इजी से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट में ही आएगा, ठीक है, ज़्यादा मतलब लॉन्ग में, बड़ा वाला लॉन्ग में नहीं आएगा, पाँच नंबर सात नंबर में नहीं आएगा, ये दो चार नंबर में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, आपका फोर है, फोर क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखो जब कॉस में माइनस लगता है तो उसको क्या करते हैं पाई में से माइनस किया जाता है, तो यहाँ भी क्या करेंगे पाई में से माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स वन बाई टू, यहाँ से क्या हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू, कॉस में किसका होता है ए होता है कॉस तीस डिग्री का मान, किसका होता है तीस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तीस का होता है साठ का होता है, साठ का होता है सॉरी साठ का होता है, तो पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल साठ को क्या ले सकते हो पाई बाई थ्री, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा थ्री और एक का एलसीएम थ्री, इसको भाग देंगे थ्री टाइम्स थ्री से और पाई से थ्री पाई, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में एक से और पाई से पाई, थ्री पाई में से पाई जाएगा टू पाई और बटा में थ्री, ये आपका आंसर। देखो टू पाई बाई थ्री ऑप्शन है क्या, सी नंबर करेक्ट आंसर। ओके, अभी पांचवा देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो पता है ना पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो दिया ही है पाई बाई टू। चलो छठवा क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स एक बटा दो प्लस टेन इनवर्स एक बटा चार, तो इसका मान क्या होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं और ऑप्शन भी लिखते हैं। छः नंबर, टेन इनवर्स एक बटा दो प्लस टेन इनवर्स एक बटा चार। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो
इसको भी फॉर्मूला लगाएंगे वही टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का मान एक बटा दो वाई का मान एक बटा चार बटा वन माइनस एक्स का मान एक बटा दो वाई का मान एक बटा चार। यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स चार और दो का एलसीएम चार भाग देंगे दो प्लस एक बटा यहाँ से कुछ नहीं तो एक ना तो चार दुनी आठ यानी आठ माइनस एक हो जाएगा बटा में आठ हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स दो और एक तीन बटा चार ये हो जाएगा सात बटा में आठ। अब यहाँ से देखो टेन इनवर्स पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा यह अठारह का चौबीस हो जाएगा और सच्चौ का अट्ठाईस हो जाएगा। इसको चार से कटा दो चार से कटाएंगे चार छाक चौबीस चार सात अट्ठाईस छः बटा सात ये आपका आंसर टेन इनवर्स छः बटा सात दिया है क्या बी नंबर करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ईजी था ठीक है बहुत ईजी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा जो फाइव नंबर का फॉर्मूला बताया ना उसी को क्या करना है साबित करने के लिए ये 2017 में पूछा गया था जब हम एग्जाम दे रहे थे ना उस टाइम पे पूछा गया था ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू कैसे होता है इसको प्रूफ करना है ठीक है। हम तो बहुत अच्छे से प्रूफ कर देते यदि आप में आता है तो आप देखो कर देते हो कि नहीं कर देते हो ठीक है। आओ इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। सेवन नंबर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू प्रूफ करना है ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं ना कि टेन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लो चाहे कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लो दोनों का आप मान सकते हो कैसे ही बनाओगे। तो हम इसको मानकर बनाते हैं। सबसे पहले माना टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया ठीक है हमने क्या किया थीटा मान लिया। अब टेन इनवर्स है ना इसको इस साइड लेकर आएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा इनवर्स से तो हट जाएगा ये हो जाएगा टेन थीटा। अब देखो एक्स का एक्स अब टेन थीटा है ना टेन थीटा अब टेन थीटा के बदले क्या लिख सकते हो देखो टेन थीटा के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कॉट नब्बे माइनस थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्यों क्योंकि कॉट नब्बे माइनस थीटा क्या होता है टेन ही थीटा होता है ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे अब यहां से ये जो कॉट है ना इसको इधर लेकर आएंगे ये कॉट को क्या करेंगे इधर लेकर आएंगे तो कॉट जब इस साइड आएगा तो क्या लगेगा इनवर्स और बीच में बराबर का साइन है तो इंप्लाइड का साइन देना जरूरी है तो कॉट को इधर लाएंगे तो क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर में क्या बच गया नब्बे माइनस थीटा। अब यहां देखो कॉट इनवर्स एक्स ये माइनस है ना माइनस को जब इस साइड लाए माइनस को जब इक्वल की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर में क्या है नब्बे नब्बे को प्रिंसिपल में यानी मुख्य मान में पाई बाई टू लिख सकते हो क्यों क्योंकि पाई के मान 180 दो से भाग देंगे नब्बे। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर थीटा है थीटा का मान देने पर लिखेंगे क्या लिखेंगे थीटा का मान देने पर क्या है थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स तो यहाँ देखो कॉट इनवर्स एक्स और थीटा का मान है टेन इनवर्स एक्स और बराबर में क्या है पाई बाई टू ये हो गया प्रूफ। लेकिन आप कहोगे सर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है ना आपका आया है कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स दोनों देखो प्लस में तो इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं है यदि ऐसा आ रहा है तो आप सेपरेट लास्ट में कर दिया करो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू दिस इज योर प्रूफ। ओके आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है ओके तो आपको क्या करना है कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं उसको प्रूफ करके दिखाना है ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्रूफ करिए और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू ये दो फार्मूला को प्रूफ करके शेयर करना है ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वेलकम टू एपिसोड फोर। एपिसोड फोर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं ठीक है ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो ठीक है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और आप लोग को कन्फ्यूजन डालने वाला क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे तो कहोगे कि वाह क्या क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गर्दा उड़ा दोगे ठीक है। देखो एपिसोड फोर में आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से। तो आज का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स टू एक्स माइनस वन इजकल टू व्हाट ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा
बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ना इसका कोई फार्मूला होता है ना कुछ होता है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग यही सोच रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस कैमरा को जूम कर दो, ठीक है, हो गया, छोड़ दो, ओके। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स टू है ना, तो इस टू को टू ही रहने दो, और जो एक्स है ना इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दो। कोई मान मंत्र हुआ क्या, जैसे एक्स है रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे तो एक्स ही आएगा, और माइनस वन है तो माइनस वन छोड़ दो। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कहो चाहे टू को इधर कर दो, टू कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कहो, बात एक ही है। तो ये जो आया ना इसका फार्मूला हो गया, पता है कौन सा, टू कॉस इनवर्स एक्स का, टू कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स का, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है। अब आपको सर कैसा फार्मूला निकाल दिए, तो देखो आपको ये तो फार्मूला याद होगा कि टू कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। ये बात सबको पता है कि टू कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। तो वही सेम चीज़ टू कॉस इनवर्स रूट एक्स है, अब यहाँ पर टू कॉस इनवर्स एक्स है, जब टू कॉस इनवर्स एक्स है तो ए फार्मूला हो गया, जब टू कॉस इनवर्स रूट एक्स हो गया तो जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ रूट लग जाएगा, बाकी सेम चीज़ वही ए आया है, तो इसका जो फार्मूला होता है टू कॉस इनवर्स रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, टू कॉट इनवर्स क्या है, टू कॉट इनवर्स थ्री, क्वेश्चन नंबर टू, टू कॉट इनवर्स थ्री है अब प्लस कॉट इनवर्स सेवन है क्या होगा, ठीक है। देखो ये भी बहुत इजी है, कैसे ध्यान देना, टू कॉट इनवर्स रूट थ्री है ना, तो टू का टू, कॉट को टेन में चेंज कर दो, टेन में चेंज करोगे तो वन बाई थ्री हो जाएगा, प्लस कॉट को टेन में चेंज कर दो, टेन इनवर्स वन बाई सेवन, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स वन बाई थ्री कितना है, दो है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री अब प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, अब इसको सॉल्व कर दो, कौन सा फार्मूला पर, टेन इनवर्स इसका फार्मूला, इसको x मान लो, इसको y और इसको z, फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अब आई वन माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। इस फार्मूला पर एक्स वाई जेड का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो टेन इनवर्स x का मान एक बटा तीन, वाई का मान एक बटा तीन, जेड का मान एक बटा सात माइनस एक बटा तीन गुना एक बटा तीन गुना एक बटा सात, बटा में वन माइनस एक बटा तीन वाई एक बटा तीन माइनस वाई का मान एक बटा तीन, जेड का मान एक बटा सात माइनस जेड का मान एक बटा सात और एक्स का मान एक बटा तीन। अब यहाँ से टेन इनवर्स इसका करो तो तीन तीन और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्कीस, यहाँ से सात प्लस सात इसको भाग दोगे एक आ जाएगा माइनस, इसको करोगे तो एक तीतरी का नौ, नौ अर्थात सात से करेंगे नौ सात तिरसठ बाई, यहाँ से क्या होगा वन माइनस एक बटा नौ माइनस एक बटा इक्कीस, ठीक है, और माइनस एक बटा इक्कीस, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, टेन इनवर्स तो इक्कीस और तिरसठ का एलसीएम कितना हो जाएगा तिरसठ, और इसको जोड़ दो सात दून चौदह पंद्रह, ऊपर पंद्रह है इक्कीस ती तिरसठ, तीन पंद्रह से तीन से करेंगे पैंतालीस हो जाएगा, इसका यहाँ से वन आ जाएगा, और यहाँ से देखो कुछ नहीं तो एक यहाँ पर, और इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा इक्कीस दून बयालीस तिरसठ हो जाएगा, इसका भी एलसीएम भाग देंगे तिरसठ आ जाएगा, इसको भाग देंगे नौ, नौ छः चौवन नौ सात तिरसठ सात आ जाएगा,
और यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से भी 3 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, टेन इनवर्स ये हो जाएगा ऊपर 44 बाई 63, इसको जोड़ो 3 3 6 6 12 1 13, 63 में से 13 घटेगा कितना आएगा, 63 में से 13 को घटाएंगे 0, 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 बटा 63, 63 बाई 63 ख़त्म। आपका बच जाएगा टेन इनवर्स 44 बाई 50, इसको 2 से कटाओगे तो 25 बार में और 22 बार में, यानी टेन इनवर्स 22 बटा 25 आपका आंसर। आओ मिलाते हैं कि आंसर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक है। आपका जो आंसर है पाई बाई 4 में आया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने कहीं पर गलती किया है, गलती कहाँ हुआ होगा आओ चेक करते हैं। देखो जो गलती हुआ है यहाँ पर, इसको मल्टीपल डिवाइड करने में 3 टाइम 3 से और 1 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे 7 7 14 3 14 3 कितना 15 16 17 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, यहाँ से 51 में से घटेगा 50 आएगा, तो ये भी 50 और ये 50 ख़त्म। तो क्या बच जाएगा, अब कब बच जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं तो कर लेते हैं, टेन इनवर्स 1 और यहाँ से टेन इनवर्स 1 का वैल्यू 10 45, इनवर्स इनवर्स ख़त्म, 45 को क्या ले सकते हो पाई बाई 4, दिस इज योर आंसर। देखो एक गलती से हम लोग को बाटा पकड़ जोड़ गलती से आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग को भी ध्यान देना है छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ओके। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन थर्ड नंबर, थर्ड नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या है। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो टेन इनवर्स 1 है ना, तो टेन इनवर्स 1 के बदले क्या ले सकते हो, 10 45, ठीक है। और कॉस में जब माइनस लगता है तो क्या करना पड़ता है, उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 किसका होता है, ये होता है 1/2 कॉस 60 का, प्लस और ये माइनस इधर प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका, साइन 30 का। तो यहाँ से 45 हो गया प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, बच गया यहाँ से 60 माइनस यहाँ से 30, 45 का वैल्यू पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस 60 का पाई बाई 3, 30 का पाई बाई 6, सबका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 का 3 का और 6 का, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो 3 पाई, ये हो जाएगा 12 पाई, ये 3 4 यानी 4 पाई और ये 2 पाई, सबको बटा पक जो बटा बताई है, 12 12 में 6 घटेगा 6 पाई बटा 12 कटा दो 2 यानी पाई बाई 2, दिस इज योर आंसर। ऑप्शन मिला लो कि पाई बाई 2 है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट देखो चार नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या है। थ्री सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये क्वेश्चन है ना। अब इसको आप कैसे बनाओगे, देखो ये 3 sec inverse 1/x है, तो आप फार्मूला पढ़े हो ना कि sec इनवर्स x 1/x का किसका फार्मूला होता है, ये होता है cos inverse x का, ठीक है। तो यहाँ से 3 का 3, इसका जो फार्मूला हुआ sec इनवर्स 1/x का, ये हो गया cos इनवर्स x का माइनस। अब ये फार्मूला पढ़े हो साइन इनवर्स 4x³ - 3x किसका होता है, 3 cos inverse x का, तो घटा दोगे दोनों सेम है यानी 0 आ जाएगा, तो 0 इसमें आंसर किसका हुआ, देखो तो इसमें कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहता, डी नंबर आंसर, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको दो फार्मूला याद रहेगा तभी वो बना पाएंगे, तो इसलिए अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है 5 क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स 4√x/2 - 2x। देखो टेन इनवर्स
फोर रूट एक्स बाई टू का मान लो तो वन माइनस एक्स, ओके वन माइनस एक्स तो भाग दो टू टू जा फोर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टू रूट एक्स बाई वन माइनस एक्स। ओके अब ये किसका फार्मूला है, तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है देखो आपको ये फार्मूला याद होगा कि टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है टू टेन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा आया हुआ है तो जो एक्स है जहाँ एक्स लिख रहे हो वहाँ पर क्या लगेगा रूट लगेगा, यानी ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि जब इसको फार्मूला पर तोड़ोगे जहाँ जहाँ एक्स लिख रहे हो वहाँ पर रूट एक्स करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स ही आएगा, देखो एक्स है यानी इसका जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है समझ में आ गया। चलो छः नंबर देखो, छः नंबर तो बहुत ईजी है, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो कॉस में जब माइनस लगता है तो पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो कॉस इनवर्स वन बाई टू किसका होता है कॉस सिक्सटी का, तो पाई माइनस यहाँ सिक्सटी का वैल्यू पाई बाई थ्री, यहाँ कुछ नहीं तो वन, तो यहाँ से थ्री थ्री पाई माइनस पाई यानी ये हो गया टू पाई बाई थ्री, दिस इज योर आंसर। ओके अब एक लास्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स वन बाई रूट टू है, सात नंबर साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, ये तो आप लोग भी बना सकते हो कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स वन बाई रूट टू किसका है, ये होता है साइन फोर्टी फाइव का, साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू पाई बाई फोर आंसर। ओके तो मेन इसमें जो क्वेश्चन लाने का मकसद था, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप फाइव क्वेश्चन है, इसमें से पक्का ही आएगा एक नया क्वेश्चन, ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डीपली ज्ञान होगा बुक पढ़े होंगे उन्हीं लोग को अच्छे से बनेगा भी, ठीक है इसलिए बोलते हैं कि आप लोग बुक को अच्छे से एक बार पढ़ लो, बुक पढ़ लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है आप लोग बात मानते नहीं हो खाली इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट पढ़ना है लेकिन बुक को पढ़ लोगे तब ही इंपॉर्टेंट भी समझ में आएगा, यदि बुक नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़िए, ठीक है मेंबरशिप में ज्वाइन कर लीजिए पूरा आपका फुल कोर्स करा देंगे, ठीक है। और हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 799 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन बैंक सहित सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हो, इसका 299 रुपये लगता है, कॉल या मैसेज करना होगा आपको नंबर देता हूँ ताकि आप लोग को हेल्प हो सके, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करिए आपको जोड़ देंगे, क्लास स्टार्ट हो जाएगी कोई दिक्कत फिर नहीं होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वेलकम टू एपिसोड फाइव, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग एपिसोड फोर देखे थे, अब हम लोग एपिसोड फाइव में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये लास्ट एपिसोड होगा, और इस एपिसोड के बाद आप लोग का चैप्टर फोर स्टार्ट होगा, और एपिसोड फाइव जो आज का जो वीडियो है इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। ऐसे तो हम आपको पता ही है कि आप लोग जो एपिसोड बना रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोग के एग्जाम में आया हुआ नहीं है, 100% ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में इतना पढ़ लोगे तो इतना ही में से आने वाला है, लेकिन जिसका बुक कंप्लीट रहता है ना उसी लोग 80, 85, 90, 95 ला सकते हैं, बिना बुक पढ़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई काम का नहीं रहता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड फाइव को, और जो लोग जुड़े नहीं हैं एपिसोड पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए 799 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं, आपको नंबर चल रहा है उस नंबर पर मैसेज या कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि टेन इनवर्स टू बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई ट्वेल्व इजकल टू पाई बाई फोर, आपको प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बनाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन भी जाए, आप ट्राई भी कर सकते हो वीडियो करो करके, नहीं बनता है तो देखते चले जाओ, हम तो समझाएंगे ही समझाएंगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर रहे हैं, टेन इनवर्स दो बटा पाँच प्लस टेन इनवर्स एक बटा तीन प्लस टेन इनवर्स एक बटा बारह, ओके अब बराबर में है पाई बाई फोर, ये प्रूफ करना है। तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS से चलते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन, ओके
तो LHS से, LHS में क्या है, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12, ठीक है। तो ये बताओ, आप लोग को ये फॉर्मूला तो पता होगा ही कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 - x into y, यही होता है ना, सबको पता है। तो चलो अब इसी फॉर्मूला पर बैठा लेंगे, ये हो गया x और ये हो गया y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो tan इनवर्स x का मान है 2/5 तो 2/5, प्लस है तो प्लस, y का मान 1/3 तो 1/3, बटा 1 - 2/5 और y का मान 1/3, गुना करना है तो गुना कर दिए। अब 1/12 tan में बचा है उसको ज्यों का त्यों लिखते चलेंगे, उसका आगे काम होगा, ठीक है, 1/12। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है, तो जोड़ घटाव कर लो, tan इनवर्स 5 और 3 का LCM हो गया 15, भाग देंगे 3 बार में, 3 से 2 से करेंगे 6, प्लस इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 से और 1 से करेंगे 5, बटा यहाँ से 1 - 2 से और 1 से करेंगे 2, 5 से और 3 से करेंगे 15, प्लस tan इनवर्स 1/12 ज्यों का त्यों, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखो tan इनवर्स 6, 5, 11/15, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 15 का LCM 15, भाग देंगे 15 बार में, 15 से और 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 15, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 से और 2 से 2, प्लस tan इनवर्स 1/12, ओके, tan इनवर्स 1/12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 11/15, 15 में से 2 जाएगा 13/15, प्लस tan इनवर्स 1/12, ये 15 15 कट गया, क्यों, क्योंकि पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा से ये कट जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो tan इनवर्स आपका जो बच गया ऊपर में 11/13 और इधर tan इनवर्स 1/12, वहीं सेम फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला लगा दो यहाँ भी, आ जाओ तो फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का मान 11/13 प्लस y का मान 1/12 बटे 1 - x का मान 11/13 y का मान 1/12। यहाँ से अब क्या होगा, tan इनवर्स 13 और 12 को जब गुना करेंगे, ठीक है, इसका जब LCM लेंगे तो LCM तो होगा नहीं, डायरेक्ट उसको गुना करना पड़ेगा, तो गुना करा दो तो हो जाएगा 156, इसका कितना आएगा 156, तो 13 में 156 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 12 बार में, 12 से और 11 से करेंगे तो 11 11 ये हो जाएगा 121, 21 और 10 31 32 33 हो जाएगा, ठीक से 133 हो जाएगा, ठीक है, और 132 हो जाएगा, 32, ठीक है। अब प्लस इसको करेंगे ये कितने बार में जाएगा, ये 13 बार में, 13 से और 1 से करेंगे तो ये 13, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ पर 1 - 11 और 1 से गुना करेंगे 11, 1300 इतना से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 156, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ो, tan इनवर्स 132 और 13 को जोड़ेंगे 3 2 5 1 4 और 145, 156, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसका LCM हो गया 156, भाग देंगे 156 से और 1 से 156, माइनस 1 बार में और 11। यहाँ से देखो tan इनवर्स 145/156
बाटा 156 में से 11 घटेगा तो यह भी आएगा 145 ही, और बाटा में 156 145 सब कट करके क्या हो गया, ये बच गया 1। ओके अब क्या होगा, देखो टेन इनवर्स ये क्या है, टेन इनवर्स है, और 1 किसका होता है, 10 45 का, 10 45 मतलब 10π/4, क्योंकि पाई का मान 180 में 4 से भाग दोगे 45 होगा, तो 10 45 का मान 1 हो जाता है, तो 10 इनवर्स 10 कैंसिल, क्या बच जाएगा π/4, योर आंसर, हेंस प्रूफ हो गया। ओके तो एग्जाम में जब भी आए उसको अच्छे से आप लोग को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, आराम से उसको सॉल्व करना है, ठीक है, पेशेंस के साथ बनाओगे सारे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। हाँ जल्दबाजी करते हो ना, जैसे माइनस प्लस में कहीं गलती हो जाएगा तो टाइम बर्बाद होता है, तो एग्जाम में हमेशा ध्यान देना है पेशेंस के साथ में, कैलकुलेशन को अच्छे से करना है ताकि टाइम खराब ना हो, नहीं तो एक क्वेश्चन पर टाइम खराब होता है तो फिर 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है, टाइम फिक्स रहता है ना वहाँ पर, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू है कि कॉस इनवर्स 1 cos inverse 1 - α² + cos inverse 1 - β² + β² = 2 tan inverse x को हल करें, यानी इसको हल करना है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, तो देखो लिख लो पहले क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1 - α² + 1 - 1 + α² + cos inverse 1 - β² + β² = 2 tan inverse x। ओके ये योर क्वेश्चन, देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि जो cos inverse 1 - α² / 1 + α² लग रहा है ये किसी का फॉर्मूला होता है, किसका होता है अभी आपको बताते हैं, जो cos inverse में आप फार्मूला पढ़े होंगे कि कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² ये होता है 2 tan inverse x का, किसका होता है 2 tan inverse x का, तो x के बदले बस अल्फा आ गया है आपको भुलवाने के लिए, और क्या है इसमें कुछ नहीं, ठीक है, तो बस इस फार्मूला पर कन्वर्ट कर दो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan inverse α हो जाएगा, क्योंकि x के बदले अल्फा दिया है तो अल्फा कर लेंगे, ठीक है, अब प्लस अब ये देखो कॉस इनवर्स 1 - β, बस x के जगह बीटा कर दिया है तो बीटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan inverse β इक्वल टू में है 2 tan inverse x, तो 2 tan inverse x ही लिखेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो अब यहाँ से थोड़ा सा माइंड लगा दो, क्या माइंड लगाओगे, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, और बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एड का साइन देना जरूरी है, तो एग्जामिनर खिसिया जाएगा आपका नंबर कम दे देगा, खिसियाने का मतलब हमारे भाषा में गुस्सा होना, ठीक है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा इजकल टू 2 tan inverse x। ओके अब यहाँ देखो a2 और a2 इक्वल में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से आपको पता है ना फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, अभी आप लोग यहाँ पर लिखवाए हैं, दिस इज योर फार्मूला, अब बस अल्फा बीटा लग गया है तो उसको अल्फा बीटा में लिख लेंगे, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा / 1 - α × β इजकल टू है tan इनवर्स x, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स है और इधर क्या है tan इनवर्स x है, दोनों में tan inverse है दोनों क्या होगा कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ से इसमें बच जाएगा α + β 1 - α × β = x, यानी आपका x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया α + β / 1 - α × β, यही आपका आंसर, समझ में आया ना, बहुत इजी है, बस ध्यान से आपको करना होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 है कि शायद ऑप्शन वाला है, ठीक है, हाँ ऑप्शन वाला है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, क्या बोला है, कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x,
क्या होगा, आपको पढ़ाए हैं फार्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। अब यहाँ थीटा के बदले एक्स के बदले कुछ भी हो जाए, टू थीटा हो जाए, फाइव एक्स हो जाए, यहाँ फाइव एक्स हो जाए, मतलब कॉस में और साइन में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है दोनों जगह सेम होता है तो उसका वैल्यू कोई भी हो पाई बाई टू होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, पाई बाई टू ही होगा। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड सॉरी फोर क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है, ओके। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लो, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आप लोग को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब कॉट में माइनस लगता है, कॉस में, सेक में और कॉट में माइनस लगता है तो उसका अलग फार्मूला होता है बनाने के लिए, नहीं तो माइनस को बाहर करके अब बना दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस का माइनस इसको पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ो, टेन इनवर्स रूट थ्री किसका होता है, टेन में, टेन में रूट थ्री किसका होता है, याद है नहीं याद है, ये होता है साठ का, किसका होता है, साठ का, तो टेन साठ माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री किसका होता है, ये होता है कॉट तीस का, ठीक है। तो यहाँ से साठ साठ के बदले लिख सकते हो पाई बाई थ्री माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट, यानी साठ बचेगा तीस बचेगा, तीस को लिख सकते हो पाई बाई छः, और यहाँ से पाई बाई थ्री और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा सिक्स पाई माइनस पाई बाई सिक्स, यहाँ से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा पाई बाई थ्री माइनस फाइव पाई बाई सिक्स, इसका एलसीएम लोगे तो सिक्स ए टू पाई माइनस, इसको भाग दोगे कितने बार में, ये हो जाएगा एक बार में फाइव पाई माइनस थ्री पाई बाई सिक्स, इसको कटा दो दो बार में, यानी माइनस पाई बाई टू योर आंसर, ओके। ऑप्शन है क्या, देखो तो ऑप्शन माइनस पाई बाई टू, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको गलती करने का तरीका देखे बता देते हैं, इसमें गलती क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे कि टेन इनवर्स रूट थ्री है, ठीक है, और एक कॉट में जो है ना ऐसे करेंगे टेन इनवर्स रूट थ्री, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है पाई बाई टू, क्योंकि दोनों जगह एक्स का वैल्यू सेम है तो पाई बाई टू मारकर आ जाएंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, फाइव देखो, फाइव क्वेश्चन क्या है आपका, देखो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो कॉसेक इनवर्स में जब माइनस लगता है तो क्या होता है, माइनस को पहले निकाल दिया जाता है, ए होगा नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, देखो डी आंसर, ये तो आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन ले लिए थे। अगला देखो, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस ए इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे कम बच्चे लोगों से बनता है क्वेश्चन, यदि एग्जाम में आ जाएगा तो छोड़ना नहीं इसको, ठीक है, बहुत ईजी भी है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है, बस आप लोग कंसेप्ट समझे होंगे ना रूपांतरण फॉर्म का, तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ये है आपका टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए, इसको प्रूफ करना है, क्या करेंगे देखो, ये है आपका एल एच एस और ये है आर एच एस, हम चलेंगे एल एच एस से, ओके, एल एच एस से, एल एच एस क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जानते हो, इसको मान लेंगे थीटा, माना माना थीटा इजकल टू साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस ए, इसको हमने मान लिया थीटा। अब थीटा जैसे हमने मान लिया, इसको टेन में प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं कि साइन को टेन में चेंज कर देते हैं, साइन को किस में, टेन में, तो ये रूल तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ से थीटा इजकल टू साइन को टेन में चेंज करना चाहते हैं, साइन को टेन में चेंज करना चाहते हैं, कैसे होगा,
देखो साइन में है ना, पहले एक फिगर बनाओ, ये होता है पी, ये होता है एच और ये होता है बी। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, एच का जो मान दिया है वो दिया है एक्स प्लस ए, और पी का जो मान दिया है वो दिया है एक्स। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका रूट स्क्वायर यानी रूट ओवर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको तोड़ो तो टेन इनवर्स में, जब टेन इनवर्स में इसको तोड़ेंगे तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। तो पी का मान रूट एक्स और बी का मान, बी का मान क्या है, बी का जो मान है देखो नीचे आया हुआ है रूट ओवर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यह आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस टेन इनवर्स को, ठीक है, इस टेन इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्या होगा, टेन थीटा। तो हम क्या करते हैं कि इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर बच का जाएगा रूट एक्स बाई रूट ओवर, इसको सॉल्व करो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, क्योंकि रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है और माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसको हम बारी बारी से तोड़ लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से तोड़ लेते हैं, तो पता है क्या आएगा, ए वाला और ए वाला कट करके, ठीक है, आपको सिर्फ ए आ जाएगा, ठीक है। देखो रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो का रूट एक्स का होल स्क्वायर और एक बार रूट ए का होल स्क्वायर। अब ऐसा मत समझना कि सर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, नहीं नहीं, एक ही में दोनों है ना, रूट एक्स प्लस ए, इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दिए, अब माइनस ए है रूट एक्स का होल स्क्वायर तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टेन इनवर्स सॉरी टेन थीटा इजकल टू रूट एक्स बाई, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा रूट, क्या बचेगा रूट ए स्क्वायर, क्या बचेगा रूट ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेन थीटा बराबर ऊपर में रूट एक्स और नीचे में रूट लगा ही है, और रूट डबल लगाया ना तो रूट ए का स्क्वायर एंड रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा ए, फिर भी देखो ये रूट ही में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, टेन इनवर्स इजकल टू रूट एक्स सॉरी रूट एक्स बाई रूट ए है ना, तो दोनों को रूट ए में एक ही साथ लिख लो एक्स बाई ए, क्योंकि बात तो सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस थीटा टेन को इधर लेकर आएंगे तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए, और ये थीटा है ना, थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस ए, तो रख दो यहाँ पर थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर क्या है साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस ए इजकल टू आ गया टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए, ये आपका प्रूफ हो गया, एल एच एस इजकल टू आर एच एस, यही करना था ना कि इसको दोनों को इक्वल करना था और हम लोगों ने बना दिया। तो जिनको यहाँ पर रूपांतरण सूत्र आता होगा साइन को टेन में चेंज करने, फिर तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ये पाँच नंबर में आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है, हमेशा ध्यान देना, नहीं तो फिर एग्जाम में आ जाएगा और आप लोग नहीं बना पाओगे तो कहोगे सर बताए थे हमसे बना नहीं, तो उस समय पछताने से कोई प्रॉफिट होगा नहीं, ओके, तो ध्यान देते रहो। लास्ट क्वेश्चन है सात, आज का जो सातवां क्वेश्चन है वो है टेन वन बाई टू, सिद्ध करना है शायद इसको भी, क्या सिद्ध करना है, अच्छा टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूव करना है टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आपका एल एच एस और ये है आर एच एस। हम चलते हैं एल एच एस से, एल एच एस है टेन वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, पहले टेन का टेन कर लिए,
वन बाई टू है तो वन बाई टू, ये साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, यहाँ से ये वाला ये फार्मूला होता है किसका, टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, इसीलिए बोलते हैं याद कर लो ठीक है। और यहाँ भी वन बाई टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी टू टेन इनवर्स एक्स का ही फार्मूला होता है, किसका, टू टेन इनवर्स एक्स ही का। अब क्या करेंगे देखो, टेन का टेन, अब यहाँ देख रहे हैं कि टू टू कैंसिल, टू टू कैंसिल करके मल्टीपल में है, तो बच क्या गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब टेन का टेन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखो ये टेन का टेन, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन में कि टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, ऐसा ही इनमें से कोई लिख लेना, कहोगे ना। तो देखो एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है और एक टेन में होता है, तो यहाँ पर देखो हमारे साथ टेन लगा है, तो टेन वाला लिखेंगे तब ना कॉम्बिनेशन बनेगा, इसीलिए टेन वाला लिखे हैं ठीक है। तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल क्या बच गया, टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आर एच एस प्रूफ। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे समझ में आ गया होगा और एपिसोड 5 भी समाप्त होता है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, चैप्टर 2 चैप्टर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिन लोगों को सारा वीडियो नहीं मिल पा रहा है वो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करेंगे 8383896119 पर, इसमें आपका 299 रुपया लगेगा जिसमें 700 पैसा लगेगा 299 रुपया ठीक है, और क्वेश्चन मिलेगा जो आपको 799 क्वेश्चन, 799 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपको चाहिए एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको 299 रुपया देना होगा, पे करना होगा, उसके बाद आपको 799 क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन मिलेगा और 100% आपको मतलब मदद किया जाएगा। इसमें 799 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं आएगा भी आएगा ठीक है। तो जिनको जुड़ना होगा इस नंबर पर मैसेज या कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच।